हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो ट्रोपोजोइट फॉर्म होता है यह सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसमें जो है सो रिप्रोडक्शन का जो प्रक्रिया होता है वह जो है सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यह जो है सो इसका सबसे पहले इसका माइटोसिस डिवीजन होता है जो कि इंटेस्टाइन के वाल के अंदर होता है, और इसमें जो है न्यूक्लियस का सबसे पहले डिवीजन होता है जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वह जो है सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना विलुप्त हुए ही इसका डिवीजन हो जाता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो उसके तुरंत बाद इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है जिसके हम लोग जो है सो साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार इसका पूरा शरीर जो है वह जो है सो दो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जिसको हम लोग जो है सो डॉटर ट्रोपोजोइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है सो एक एडल्ट ट्रोपोजोइट है, ट्रोपोजोइट फॉर्म है किसका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का। इसमें जो है सो ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस के डिवीजन हो रहा है जिस प्रोसेस को हम लोग जो है सो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर इस न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद इसमें जो है सो साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर कोशिका द्रव है इसका डिवीजन हो रहा है, फिर ये कोशिका जिसे हम लोग जो है सो साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जो है सो दो अलग अलग जो है सो डॉटर ट्रोपोजोइट्स के फॉर्म में जो है सो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इसका जो है सो इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो संतति जीव होते हैं यानी कि जो डॉटर ट्रोपोजोइट्स है यह जो है सो क्या करता है कि जीवाणु और परपोषी जो 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 इसका होस्ट होता है, तो उस होस्ट के अंदर जो उसका उत्तक होता है उसको यह जो है सो अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन उसको जो है सो वे खाते हैं, और फिर शीघ्र ही जो है सो ये वृद्धि कर जाते हैं। वृद्धि करने के बाद फिर यह भी जो है सो पूरी तरह से जब एडल्ट हो जाते हैं तो फिर यह जो है सो इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, यानी कि फिर यह बाइनरी फिजन के द्वारा जनन करते हैं, और जनन करके जो है सो अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, और यह अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर इसमें से कुछ जो है सो क्या होता है कि नई परपोषी की नई कोशिकाओं में जो है सो क्या करता है कि वह प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद यह जो है सो प्रीसिस्टिक या माइनिटा फॉर्म जो है सो यह धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में जो है सो ये जो है सो रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया होता है। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसमें लाइफ साइकिल इसका कैसे जो है सो कंप्लीट करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के रिप्रोडक्शन में देखा कि यह जो है सो बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो उसमें से कुछ जो होते हैं परजीवी अपना जिनका जो होस्ट होता है तो वह जो है सो परपोषी के अंदर नई कोशिकाओं में ये प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद जो है सो ये प्रीसिस्टिक और माइनोटा फॉर्म जो है सो ये धारण कर लेता है। उसके बाद होस्ट के आंत की गुहा के अंदर इसके चारों तरफ जो है सो एक पतला जो कि काफ़ी टफ होता है और रिफ्रेक्टाइल होता है यानी कि अपरिवर्तनशील होता है और लचीला भी होता है, तो एक लचीला जो है सो यह सिस्ट का जो है सो सिस्ट वाल का जो है सो फॉर्मेशन कर लेता है। इसका आकार उस समय लगभग जो है सो गोलीय हो जाता है। इस अवस्था में जब जो पुटियाँ यानी कि सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है तो उस अवस्था में यह जो है सो यूनिन्यूक्लिएट होता है यानी कि एक केंद्र किए होता है। पुटी के अंदर स्थित न्यूक्लियस का फिर से जो है सो माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद यह जो है सो एक से दो केंद्रक वाला हो जाता है यानी कि बाई न्यूक्लिएट हो जाता है, और उसके बाद पुनः जो है सो सिस्ट यानी कि पुटी के अंदर माइटोसिस पुनः डिवीजन होता है, और इस डिवीजन के बाद जो है सो यह टेट्रान्यूक्लिएट हो जाता है यानी कि चार केंद्र की वाला चतुष्केंद्र की जो है सो यह बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया जो है सो मात्र कुछ ही घंटों में पूर्ण हो जाती है। उसके बाद इसका जो है सो डेवलपमेंट नहीं होता है यानी इसका विकास जो है सो रुक जाता है, लेकिन यह जो अवस्था होता है काफ़ी संक्रमणकारी होता है, और यह जो है सो उसके बाद परपोषी जो होस्ट होता है उसके मल यानी कि विष्ठा जिसको हम लोग स्टूल कहते हैं, विष्ठा के साथ यह जो है सो शरीर से बाहर आ जाता है। उसके बाद यह जो है सो क्या करता है कि यह बाहर आने के बाद यदि इसको जो है सो अनुकूल तापमान मिलता है
तो यह जो है सो लगभग 10 दिनों तक जीवित रहता है, लेकिन यदि तापमान अधिक हो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है तब यह जो है सो मर सकता है। तो यह जो है सो फिर किसी भी माध्यम से यहाँ पर बाहर जब जो है सो यह आ जाता है तो यदि किसी भी माध्यम से मनुष्य के भोजन या उसके जो है सो पानी में अगर यह पहुंच जाता है तो उसको यह दूषित कर देता है। उस दूषित भोजन और पानी को यदि कोई व्यक्ति जो है सो उसे ग्रहण करता है, उसे लेता है, तो वह जो है सो उस बीमारी से जो है सो संक्रमित हो जाता है, यानी कि वह उसका जो है सो संक्रमण बन जाता है। उसके बाद यह जो है सो नए परपोषी के जो है सो जब और जब यह जो है सो नए परपोषी के शरीर में आहार नाल से आगे की ओर बढ़ता है तो यह जो है सो इसकी जो जब यह अमाशय में पहुंचता है तो इसकी पुटिया जो है अमाशय का जो जठर रस होता है उससे इसको बचा लेती है। लेकिन इसके बाद वह जो है सो जब आंत में पहुंचता है तो आंत में ट्रिप्सिन के द्वारा इसका सिस्ट वाल का जो है सो डाइजेशन हो जाता है और डाइजेशन होने के बाद यह जो है सो जो चतुष्केंद्रीय अमीबा होता है वह जो है सो सिस्ट से बाहर आ जाता है। ठीक है, पुटी से निकलने के बाद ये चारों जो है सो जो न्यूक्लिएट होते हैं या इनमें फिर से एक बार जो है सो बाइनरी फ्यूजन होता है और बाइनरी फ्यूजन जो यहाँ पर जो बाइनरी फ्यूजन होता है वह एक विशेष तरीके से होता है क्योंकि इसमें जो है सो केंद्रक के विभाजन होने के बाद भी जो है सो कोशिका का विभाजन जो है सो धीरे धीरे होता रहता है और इसके बाद इस विभाजन के बाद ये चार से जो है सो आठ यूनिन्यूक्लिएट अमीब्यूली यानी कि मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स का जो है सो फॉर्मेशन कर लेता है और यह आंत में प्रवेश कर यह जो है सो एडल्ट ट्रोफोजॉइट बन जाता है। इसको आइए अब हम लोग जो है सो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है सो एक एडल्ट जो है सो ट्रोफोजॉइट है, यह एडल्ट ट्रोफोजॉइट जो है सो यहाँ पर जो है सो इसके बाद जो है सो ये प्रीसिस्टिक स्टेज में आ गया। प्रीसिस्टिक स्टेज में आने के बाद जो है सो ये सिस्टिक स्टेज हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है सो इसके चारों तरफ जो है सो एक सिस्ट का जो है सो फॉर्मेशन हो गया। ये सिस्ट का जो है सो फॉर्मेशन हो गया। सिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद इसका ये जो न्यूक्लियस है यह न्यूक्लियस का जो है सो डिवीजन होता है। तो यह न्यूक्लियस जो है सो एक यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट है, ये जो है सो यूनिन्यूक्लिएट है। उसके बाद इसका जब डिवीजन होता है तो यह एक न्यूक्लियस से जो है सो दो न्यूक्लियस बन जाता है, यानी कि यह जो है सो बाई न्यूक्लिएट हो गया है ना। बाई न्यूक्लिएट होने के बाद इसमें से जो है सो फिर एक बार जो है सो फिर माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद इसमें जो है सो दो जो है सो न्यूक्लियस यह जो है सो चार जो है सो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यह जो है सो हो गया क्वार्टी न्यूक्लिएट जिसको हम लोग चतुष्केंद्रीय कहते हैं। उसके बाद चतुष्केंद्रीय ये जो मतलब की अवस्था जो होता है इसका यह जो है सो काफी संक्रमणकारी अवस्था होता है और उसके बाद इसका जो है सो डेवलपमेंट यानी कि विकास भी रुक जाता है। उसके बाद ये चतुष्केंद्रीय होने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है कि यह जो है सो आंत में जो ट्रिप्सिन होता है उसके द्वारा जो है सो इसका सिस्ट जो है सो वह डाइजेशन उसका डाइजेशन हो जाता है। जब यह डाइजेशन हो जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह सिस्ट जो है जो है सो बाहर आ गया चतुष्केंद्रीय और जब चतुष्केंद्रीय यह जो बाहर आता है तो बाहर आने के बाद एक बार फिर से इसमें जो है सो बाइनरी जो है सो फ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पर जो बाइनरी फ्यूजन होता है वह इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है सो इसमें जो है सो कोशिका द्रव का भी जो है सो विभाजन होते रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सो चार जो है सो ये जो है सो चार से जो है सो ये आठ जो है सो ये जो है सो ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ट्रोफोजॉइट जो है सो मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स कहलाता है और यही जो है सो फिर आगे चलकर धीरे धीरे जो है सो डेवलप करके जो है सो ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि ट्रोफोजॉइट में जो है सो परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो है सो एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका का जो है सो लाइफ साइकिल फॉर्मेशन होते रहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।